इसीलिए जो कम्युनिटी को लीड करते हैं, जो कम्युनिटी को चलाते हैं, उन लोगों को ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं चला रहे भाई, खुद ही चल रही नहीं है ज्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहरहाल आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है माशरे के ऊपर। सईद शोहदा का जो कयाम था, क्योंकि उस गुनाह की वजह से सिर्फ एक शख्स पर या एक फैमिली पर असरात नहीं थे, उस गुनाह की वजह से पूरी कम्युनिटी सो रही थी, ख्वाब में थी, उसे बेदार करना था। इसीलिए इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। गुनाह जो है वो अलग अलग असरात को माशरे के ऊपर मुरतब करता है, और बाज़ औक़ात गुनाह आहिस्ता आहिस्ता इंसान के कल्ब को स्याह कर देते हैं। अरे छोटा सा है, ये तो पता नहीं चल रहा, इसके तो असरात नहीं होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डॉट जो है ना कल्ब में वो डलता है, और वो डॉट डलते डलते पूरी फाइल ब्लैक हो जाती है, और जब वो ब्लैक हो जाए तो फिर खुदा कुरान में कहता है कि बस हमने फिर इन दिलों पे ताले लगा दिए, फिर हिदायत नहीं मिलती। तो इंसान बहरहाल अपनी जिंदगी में, क्योंकि सबसे बेस्ट अजीजाने मोहतरम यही है कि इंसान अपने आप को कोई भी इबादत देखे, आप इबादत करें, बेहतरीन इबादत करें, बेहतरीन दुआएं करें, ठीक है, और उसके बाद आप अपने आप को गुनाहों से ना बचाएं। तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पानी एक बकेट में लेके आ रहे हो बड़ी दूर से, और उसमें सुराख हो, और आप भर भर के ला रहे हो लेकिन सुराख हो, यानी आपकी सारी मेहनत क्या हो रही है, जाया हो रही है। इसीलिए औलिया खुदा हमेशा ये कहते थे कि पहले अपने आप को हराम से बचाओ, जब तुम अपने आप को हराम से महारम इलाही उनसे बचाओगे तब तुम्हारी इबादत खुदा की बारगाह में परवास करेगी। मशहूर वाकया है जो बनी इसराइल का एक आबिद का, आपने सुना होगा, मैंने भी कई दफा इसको बयान किया है, कि वो इबादत करता था, मशहूर था और पहाड़ों पे आबिद था। शैतान आपस में जमा हुए, मीटिंग हुई उनकी कि भाई इस आबिद को कैसे इसकी इबादत से हटाया जाए। वो उधर है, आपको पता है शैतान ऑलवेज ऑन है, एक्टिव है, वो ऐसा नहीं है कि शैतान जो है वो कभी सोता होता है, वो उसको अपना काम पूरा सही करता है। शैतान अपना काम अपनी दयानतदारी के साथ करता है, जो उसका काम है उसने अल्लाह से वादा किया, उसको छोड़ता नहीं है कि मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, और वो अपना काम करता रहता है। तो बहरहाल उसकी भी अपनी मैनेजमेंट है, उसके भी अपने एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे दुनिया के अंदर। तो वो साथ जमा होकर बैठा, उसने बोला भाई कैसा है? तो एक ने कहा कि खाने से, एक ने कहा कि इसको इससे उससे अलग अलग अलग, तो उसने कहा नहीं ये सब चीजों को क्रॉस कर चुका है। तो एक ने कहा कि मैं इसको इबादत से गिराऊंगा। अब आप देखें कि जो इंसान की वीक पॉइंट होता है उसे शैतान जानता है। क्यों जानता है शैतान? आप बोले क्यों जानता है, आपके जहन में कैसे आएगा शैतान आपके वीक पॉइंट को कैसे जानता है? क्योंकि शैतान आपकी ग्रैंड पेरेंट से भी वाकिफ है, उनको पता है कि इसके फैमिली में, इसके जीन्स में क्या प्रॉब्लम थी, ये वीकनेस इसकी फैमिली में चलती हुई आ रही है, वो जानता है, वो वहीं से आता है, और वो ही वहीं से। और इसलिए कुरान और रिवायात कहती है कि आप शैतान को हल्का मत समझे, शैतान को मत समझेंगे मतलब शैतान सो रहा है या नहीं, शैतान वो मुबीन है, आश्कार सख्त तरीन दुश्मन है तुम्हारा। बहरहाल वो एक जवान की सूरत में आया, उसका दरवाजा खटखटाया, जो भी था, बहरहाल तो कौन हो, कहा जवान हूं, कहा मैं इबादत करना चाहता हूँ, मेरे घर वाले मुझे इबादत नहीं करने दे रहे, मेरे पास जगह नहीं है। तो चलो जवान है इबादत करे। अब वो इबादत उसने शुरू की, और वो इबादत किए जाए, एक खत्म हो दूसरी तीसरी, अब ये इबादत करके इसने बोला भाई कुछ खा लो, कुछ इफ्तार कर लो, कुछ ऐसा कर लो। कहा नहीं, पूरी इबादत किए जाए। फिर इसने कहा भाई थोड़ा आराम कर लो। कहा नहीं। अब ये जो है वो सो रहा है, इसने देखा कि वो जो लड़जवान है वो इबादत करते करते परवास कर रहा है। तो इसने बोला कि ये कौन सी इबादत है कि मैं इतने सालों से इबादत कर रहा हूं मैं परवास नहीं कर पाया। तो उसने उससे पूछा, उसको बड़े वास्ते दिए, तो क्योंकि मुझे औकात नहीं, तुम नहीं कर सकते। कहा नहीं नहीं मुझे बताओ, मुझे ऐसी इबादत करनी है। कहा कि बहुत मुश्किल है। कहा क्यों? कहा मैंने एक गुनाह किया है, और जब उस गुनाह को मैं याद करता हूं तो मेरी इबादत और आगे की तरफ जाती है। अब वो देखें, इसलिए कहते हैं इबादत बगैर बसीरत के बेकार है, यानी बसीरत होनी चाहिए, इंसान की आंख
खुली भी होनी चाहिए। सिर्फ इबादतों से कुछ नहीं हो सकता, हाथ में तस्बीह अस्तगफरुल्लाह अस्तगफरुल्लाह कुछ नहीं होने वाला जब तक आपकी बसीरत ना हो, ऑन ना हो कि व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एक्चुअली, आपको पता ही ना हो हक कहाँ है बातिल कहाँ है। तो वो आबिद बेचारा सादा सा आबिद था, उसने बोला कौन सा गुनाह, कह रहा तुम नहीं कर सकते, कहा नहीं मुझे बताओ। कहा शहर में जाकर एक खातून की जो गलत काम करती है उसके पास जाकर गुनाह को करो फिर ये और फिर तौबा करो। अब उसने बोला मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कहा ये लो, शैतान ने पैसे भी दे दिए, सिक्का दिया। अब ये नीचे उतरा शहर में, अब जब ये नीचे उतरा तो लोग एहतराम कर रहे हैं, आबिद इतने अरसे के बाद पहाड़ों से नीचे आया है और उसे पूछ रहे हैं कि अब इसने उसका पता पूछा तो ये सब लोग समझे कि ये उनको अमर बिल मारूफ करने जा रहा है। वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो बोला कौन, कहा मैं हूं। कहा कैसे आना, वो भी परेशान, बोला कैसे आना हुआ, कहा मुझे ये करना है। कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, आबिद है। कहा तुम्हें इससे क्या, पैसे लो और अपना काम अंजाम दो। बहरहाल आप देखें कि वो खातून माशरे में उसका किरदार अच्छा नहीं था मगर बसीरत रखती थी। उसने कहा कि देखें आप ये काम क्यों करना चाहते, कहा कि ताकि मैं तौबा करूंगा और मेरी इबादत में फर्क आएगा, इबादत अच्छी होगी। उसने कहा अगर खुदा तौबा का तुम्हें मौका ना दे फिर क्या होगा। यानी एक जुमला उसका जो है वो इस आबिद को जाकर हिट किया और कहा कि वो यकीनन शैतान है जो आपको गुमराह कर रहा है, आप जाएं, अगर वो अभी भी वहां पर हो तो आप जो कहेंगे मैं अंजाम दूंगी, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो समझ लो वो शैतान था। और ये आबिद वापस जाता है, देखता है वहां कोई नहीं होता, फिर अस्तगफार करता है, तौबा करता है, खुदा की बारगाह में शर्मिंदा होता है। लेकिन जैसे ही आबिद जाता है तो ये खातून जो है इसका जमीर, इसका इनर जो है वो इसको कहता है कि तुमने उसको तो कह दिया कि तौबा करो, ये तौबा का मौका तुम्हें मिलेगा कि नहीं, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है। ये ख्याल आना था तो उसने तौबा की और उसी रात को वो गिरिया करते करते उसकी डेथ हो गई। दूसरे दिन अल्लाह ने उस जमाने के नबी को वही भेजी कि जाओ एक औलिया खुदा का इंतकाल हो गया है, उसका जनाजा पड़ा। जाने मोहतरम खूब जब इंसान हुदूद इलाही को समझ जाए तो फिर ये नहीं है कि आपने लंबी लंबी इबादतें की कई कई साल, नहीं, खुदा एक लम्हे में अपने बंदे को अपना वली बना दे।